यह खबर संयुक्त राज्य की है, जहां एक फार्म प्रबंधक को नदी के तले विशाल कोलंबियाई हाथी एरावत के अवशेष मिले। यह 20,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। यह खबर तब हवा की तरह फैली जब एक मछुआरा दक्षिणी पूरी मोंटाना में पाउडर नदी के किनारे घूम रहा था, तब उसे वहां मिट्टी में कुछ बहुत ही विशाल चीज दिखाई दी। उसके बाद यह खबर पुरातत्व संग्रहालय तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने तब जमीन के मालिक ली रैंडल से पूर्व ऐतिहासिक खोज की संभावना हेतु संपर्क किया। रैंडल नाम का ये शख्स एक पशु फार्म प्रबंधक है। उन व्यक्ति द्वारा भेजे गए मानचित्र से सटीक स्थान पर पहुंच गए। उन्हें स्थान मिल गया और उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर हड्डियां दिख रही थीं। आपको बता दें, इससे पहले भी कई हड्डियों के नमूने उस जमीन से निकाले जा चुके हैं, लेकिन आज तक इतना बड़ा किसी ने नहीं देखा। नीचे जाते हुए विशेषज्ञों दो पसलियां भी मिली। इस संबंध में आगे की खोज गर्मियों में फिर शुरू की जाएगी। उन्होंने दो गर्मियों के दौरान सभी हड्डियों की खुदाई पूरी कर ली और उसके बाद उसे परीक्षण के लिए कार्टर काउंटी संग्रहालय ले गए। जांच के बाद जीवाश्मिकियों ने पुष्टि की कि यह हड्डियां विशालकाय प्राचीन कोलंबियाई हाथी के हैं, जो कि अनुमानित रूप से 10,000 से 20,000 वर्ष पुराने हैं। कहते हैं भारतीय सभ्यता बनाने में कुछ जानवरों का योगदान था, जिसमें से हाथी यानी एरावत भी शामिल थे। यूं तो एरावत को इंद्र भगवान का वाहन माना जाता है और जो वज्र वो धारण करते थे वो भी इसी के हड्डियों से बना होता था।